नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं और मीडिया में आकर कई मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की है, अपने बयान जारी किए हैं। बहराइच का मुद्दा हो, बहराइच हिंसा का मुद्दा हो, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या मूव होने वाला है आगे आने वाले वक्त में चुनावों में, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में कैसे एंट्री करेंगे, वो सब बताया है अखिलेश यादव ने। एक एक खबर, एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं और क्या कुछ तस्वीर निकल कर आई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, महर्षि वाल्मीकि जयंती है आज और उस जयंती के मौके पर लखनऊ में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे, नमन करने के लिए पहुंचे और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी आकिब वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। इसके बाद अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है और मीडिया में आकर अपनी बात रखी है। एक दिन बाद यानी कि कल 18 तारीख को अखिलेश यादव महाराष्ट्र के लिए रवाना हो रहे हैं और महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने बात कही है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की है और कह दिया है कि ये सरकार जाने वाली है। नफरत की राजनीति की बात यहां पर करते हुए दिखाई दिया अखिलेश यादव। वो एक एक बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें जब माल्यार्पण कर रहे थे अखिलेश यादव महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा की लखनऊ में, उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके ये तस्वीरें देखिए, हाथ जोड़कर नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फूल माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर क्या कुछ तस्वीर निकल कर आई है देखिए जल्दी से। आकिब हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट और उसके बाद हम आपको एक एक बयान सुनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर आ चुके हैं और यहाँ पे वो माल्यार्पण करेंगे और आप देख सकते हैं कि तो तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अखिलेश यादव की गाड़ियाँ अब आ चुकी हैं। अखिलेश यादव अब अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे करा जा रहा है। अपनी गाड़ी से अखिलेश यादव बाहर निकल चुके हैं और वो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हाथ में गुलदस्ते हैं उनके स्वागत करने के लिए और अब अखिलेश यादव अंदर आ रहे हैं। अखिलेश यादव यहां आ चुके हैं और उनका स्वागत भी करा गया गुलदस्ता देकर। आप देख सकते हैं अब अखिलेश यादव आगे जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया है, अब वो बाहर आएंगे और मीडिया से बात करेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, माल्यार्पण किया है, नमन किया है, अच्छी खासी भीड़, अखिलेश यादव जब यहां पर पहुंचे क्या तस्वीर थी। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जब मीडिया से बातचीत करनी शुरू की तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हम संकल्प लेते हैं कि समाज में भेदभाव खत्म हो, समय समय पर ऊंच नीच पैदा होती है उसको समाप्त किया जाए, नफरत पैदा होती है उसको समाप्त किया जाए। जरा सुनिए पहला अंश अखिलेश यादव के बयान का। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता, उनका समाज में पूजनीय और भगवान का दर्जा है। रामायण उन्होंने लिखी और जो कल्पना की गई कि राम राज्य क्या हो, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन उनसे प्रेरणा लेते हुए यही संकल्प आज हम सब लोग लेते हैं कि समाज में भेदभाव खत्म हो, समाज में जो समय समय पे
ऊंच नीच पैदा होती है उसको समाप्त किया जाए, जो नफरत फैलती है और बिना सामाजिक न्याय के राम राज्य संभव नहीं है। तो सामाजिक न्याय के भी रास्ते पे हम चल करके उन्हें हम याद कर सकते हैं। एक बार फिर मैं ऋषि वाल्मीकि जी जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासी देशवासियों को शुभकामनाएं। इसके बाद दोस्तों पत्रकारों ने बहराइच मुद्दे पर, बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि ये इनका समय आ गया है, ये जाने वाली सरकार है, 8 साल से जिस तरह की राजनीति की है, नफरत पैदा किया है समाज में और अब वक्त आ गया है कि इनको जाना है। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने से फुर्सत नहीं है, अब इनके जाने का समय आ गया है। जरा सुनो, भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव यहाँ पर बयान देते हुए बहराइच हिंसा पर और कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति, यहाँ पर नफरत फैलाने से फुर्सत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। अब बात आ जाती है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है, इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे एंट्री करेंगे, उस पर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने बताया कि वो कल महाराष्ट्र जा रहे हैं, 2 दिवसीय ये दौरा है, वहां जाकर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं, ये बात कही, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, हमें उम्मीद है जहां हमारे 2 विधायक थे वो हमें सीट भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे, ये बात अखिलेश यादव ने बोली। इसके साथ ही साथ उन्होंने बोली कि उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन एक साथ है और जल्दी विचार विमर्श हो रहा है, जल्दी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। सुनिए, महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। यूपी में भी बहुत हो जाएगा। तो एक तरह से दोस्तों इंडिया गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा, यह जा रहा था कि हरियाणा में अगर चुनाव नहीं लड़ा अखिलेश यादव ने तो इंडिया गठबंधन में फूट पड़ जाएगी, तरह तरह की तमाम अफवाहें चल रही थी, तरह तरह की बातें चल रही थी कि अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन नहीं होगा, इंडिया गठबंधन आगे नहीं लड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव तो यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र में भी बातचीत करेंगे, उन्हें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के तहत उनको सीटें दी जाएंगी और महाराष्ट्र में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों बहुत शुक्रिया।